देवास जिले के खातेगांव में अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नूरी खान उज्जैन को जान से मारने की धमकी देने वाले के विरोध में खातेगांव मुस्लिम संगठन ने एफआईआर की मांग करते हुए आवेदन दिया। अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नूरी खान जो बदनावर दौरे पर गई थी, 26 अगस्त की रात्रि को साकिर पटेल नामक व्यक्ति का फोन आया। साकिर पटेल मंत्री राजवर्धन दत्तीगांव का समर्थक है तथा नूरी खान को मारने की धमकी देने लगा और कहा कि मेरा एसपी और कलेक्टर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, जिसके खिलाफ आज खातेगांव थाने पर एफआईआर की मांग करते हुए मुस्लिम संगठन ने आवेदन दिया है। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। मुझे राजवर्धन दत्तीगांव जो मंत्री हैं, मैं बदनावर दौरे पे गई थी और उनके समर्थक द्वारा खुलेआम मंत्री का नाम ले लेकर कि मैं मंत्री का समर्थक हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, कलेक्टर एसपी के पास चले जाओ, मेरे मुझ पर केस दर्ज नहीं होगा, जो इतने आत्मविश्वास के साथ एक मंत्री के नाम लेकर मुझे धमकियां दे रहा है कि मैं उज्जैन से बाहर नहीं निकल पाऊंगी और मेरा विरोध कर रहे होते तो मैं बदनावर से भी बाहर नहीं निकलने देते मुझे। उसने मुझे जान से मारने की धमकी तक दी है, लेकिन चूंकि वो मंत्री का समर्थक है इसलिए आज यहाँ पर मेरी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है, मुझसे आवेदन देने के लिए कहा जा रहा है। मैं आवेदन नहीं दूंगी, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी मैं यहाँ से हटूंगी भी नहीं, क्योंकि अगर वो मंत्री है इसका मतलब ये नहीं है कि एक महिला अगर अच्छा काम करने के लिए वहाँ पहुँचती है तो इस वजह से वो मुझ पर धमकियाँ देने लगे। धन्यवाद। ये इस विषय में दिया कि बदनावर जो चुनाव की तैयारी चल रही है वहाँ पर मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य बाजी नूरी खान प्रचार के लिए गई थी, उस विषय में वहाँ पर जो मंत्री हैं राज्यवर्धन दत्तीगांव उनके कोई समर्थक है साकिर पटेल जी, उनने उनको जान से मारने की धमकी दी है और उज्जैन से बाहर ना निकल पाओगी और अपशब्द में भी कुछ प्रयोग किया गया है, उसके विरोध में आज हम लोग थाने पर साकिर पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने आए हैं और मैं शिवराज सरकार से भी मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए और नारी शक्ति का सम्मान करके और अच्छा काम करके दिखाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।